औरंगाबाद जिले के नबीनगर स्थित भारत की महारत्न कंपनी सुपर थर्मल पावर स्टेशन यानी कि NSTPS ने नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत आज बुधवार को किसानों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में देश के सुप्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञों ने 125 से अधिक किसानों का अमृत कृषि एवं प्राकृतिक खेती पर मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन NSTPS के परियोजना प्रमुख सह मुख्य महाप्रबंधक चंदन कुमार सामंता ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत का हर एक किसान अपने आप में एक उद्यमी है। किसानों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि वो देश ही नहीं बल्कि कई मायने में दुनिया के भी अन्नदाता हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि वह प्राकृतिक खेती की तकनीकों को अपनाकर सभी के लिए एक मिसाल पेश करें। वहीं प्रशिक्षण के दौरान किसानों को अमृत कृषि के उन्नत तकनीकों के उपयोग के बारे में जागरूक किया गया। गौरतलब हो कि NSTPS नबीनगर द्वारा परियोजना के निकटतम गांव में सड़कों, स्कूलों एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास के अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य कराया जा रहा है। इस मौके पर NSTPS के अपर महाप्रबंधक रॉय थॉमस, अपर महाप्रबंधक AK पासवान एवं प्रबंधक दीपक कुमार भी मौजूद रहे। डाला गया और दूसरे ब्लॉक में नहीं डाला गया, तो जब खाद डाला जिसमें डाला गया था उसमें बहुत बड़ा अंतर दिखा, और इसमें नहीं था तो उसमें बहुत अच्छा नहीं दिखा। तो धीरे धीरे लोग जो बड़े, जैसे यहाँ अगर कोई घूस है वो जो भाई के तो औरंगाबाद से आया, वो औरंगाबाद से खाए रहा उठाए औरंगाबाद से आप आए हैं, और जिस बस में आए हैं शायद मान लीजिए बस आए हैं, ऐसे अपना साधन हो सकता है, बस में सवार हुए